वेलकम टू स्टेन गनपॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेन गनपॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 85 शब्द प्रति मिनट की कोड संबंधित डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन ही पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट एक वकील की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने में रजिस्ट्री के अधिकारी प्रभावशाली वकीलों व याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। विराम पैरा जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस ए नज़ीर की पीठ ने अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर 19 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विराम याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि कोविड-19 के इन हालात में जब वर्चुअल अदालतें काम कर रही हैं तो सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में प्रभावशाली वकीलों और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मामलों को प्राथमिकता न दी जाए। विराम सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं और वकीलों के फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री दिन रात काम कर रही है। विराम पीठ ने वकील से सवाल भी किया था, आप रजिस्ट्री और उसके सेक्शन अधिकारियों के खिलाफ ऐसे गैर जिम्मेदार आरोप क्यों लगा रहे हो? विराम वकील का कहना था कि रजिस्ट्री ने एक देश और एक राशन कार्ड के मुद्दे पर उनकी याचिका काफ़ी समय से सूचीबद्ध नहीं की है। विराम पैरा याचिका में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने का कोई तंत्र नहीं है जो कथित तौर पर कुछ कानूनी फर्मों व वकीलों का पक्ष लेते हैं। विराम साथ ही इसमें संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश देने की मांग भी की गई कि वे सामान्य वकीलों या याचिकाकर्ताओं के मामलों में अनावश्यक खामियां न निकाला करें। विराम अतिरिक्त कोर्ट फीस व अन्य शुल्क वापस किए जाएं। विराम पैरा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच मामलों की ई फाइलिंग मेसनिंग और सूचीबद्ध करने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विराम पैरा दिशा निर्देशों के अनुसार सभी खंडपीठों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करनी होगी। विराम नए मामले लंबित हैं जिन्हें पहले सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था। विराम उनको अब 6 जुलाई से सूचीबद्ध किया जा सकता है। विराम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड किए गए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान पीठों को भी निर्देशित किया है कि वह वर्चुअल अदालतों को 6 जुलाई यानी सोमवार से शुरू करें। विराम कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सरकार के
इससे संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। विराम बताया जा रहा है कि 13 जुलाई से विविध मामलों की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को हुआ करेगी, विराम, जबकि गैर विविध मामलों की सुनवाई मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हुआ करेगी, विराम, पैरा। विवादक संख्या 3 के माध्यम से वादीगण को यह साबित करना था कि आया वादीगण वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित एक्स वाई जंगलों को हटवाने के हकदार हैं, एवं विवादक संख्या 5 के माध्यम से वादीगण को यह साबित करना था कि आया वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 8A में वर्णित एवं संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिंदु आई से के मध्य दौराने विचारण प्रतिवादीगण द्वारा किए गए तथा कथित रोशनदान निर्माण को तुड़वाने एवं प्रतिवादीगण के खर्चे पर बंद करवाने के अधिकारी हैं। उपरोक्त दोनों विवादकों के संबंध में पत्रावली पर जो साक्ष्य वादीगण की ओर से पेश की गई है उसके अवलोकन से यह जाहिर नहीं होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरांत दौराने विचारण किसी प्रकार के कोई रोशनदान आदि का निर्माण किया गया हो, विराम, प्रतिवादीगण द्वारा जो जंगले एवं रोशनदान लगाए गए हैं वह विवादित गली की तरफ खुलते हुए है, विराम, इस विवादित गली को वादीगण द्वारा स्वयं की निजी कब्जे एवं स्वामित्व की गली होना बताते हुए हस्तगतवाद प्रस्तुत किया है, किंतु वादीगण की ओर से विवादित गली को स्वयं की निजी कब्जे एवं स्वामित्व की गली होना साबित नहीं किया गया है, विराम, इस प्रकार जब वादीगण द्वारा विवादित गली को ही स्वयं के कब्जे एवं स्वामित्व की गली होना साबित नहीं किया गया है तो वादीगण विवादित गली में से प्रतिवादीगण के रोशनदान एवं जंगलों को भी हटवाने के अधिकारी नहीं है, विराम, धन्यवाद।